अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेयर मास्क की। लेयर मास्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको सीखने में भी आसानी लगेगी, क्योंकि लेयर मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो लेयर मास्क जो यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। और जितनी भी मैंने टेक्निक्स आपको बैकग्राउंड रिमूवल की पहले क्लासेस में दी, जैसा कि हमारे पास सिलेक्शन टूल था और उसके बाद हमारा पेन टूल आया, जितने भी बैकग्राउंड रिमूवल की क्लासेस थी वो भी इंपॉर्टेंट है थीम इस लिहाज से। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप उधर से जाके सीख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज आ गई है और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसे अरेज करूं, तो अरेज करने के लिए हमारे पास जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन बताई थी, मैं इसको डबल क्लिक करके और इसको लॉक इसका ख़त्म कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जब भी कि आप किसी इमेज पे काम करेंगे तो आपने उस इमेज की कॉपी लेनी है। कंट्रोल जे मैं प्रेस करूंगा और आपके पास एक कॉपी ले आ जाएगी और इसको मैं हाइड कर लूंगा। हमारे पास जो ऑप्शन आ रही होती है वो हम अरेजर टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अरेजर टूल आ रहा है, ये देखें। लेकिन रेजर टूल्स का ये नुकसान है कि अगर आप इस चीज़ से करते हो, आप रेजर यूज़ करके करते हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव यूज़ होगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि आप एक बार इसको अरेज कर देंगे और इसके बाद इसका जेपैक सेव कर लेंगे या फोटोशॉप फाइल सेव कर लेंगे कंट्रोल ऑल्ट जी से, ये बैक तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसकी फाइल सेव करके बंद करके फिर दोबारा फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं होगी कि आपने अरेज को दोबारा वापस ला सके। तो इसके लिए हम लोग जो है ना लेयर मास्क यूज़ करते हैं। लेयर मास्क एग्जैक्टली हम लोगों के पैनल के ये इस जगह पे लेयर मास्क आ रहा होगा। एफएक्स इधर लिखा आ रहा है एड लेयर का, और ये इधर हमारे पास जब हम इस पे लेके जाते हैं ऑप्शन पे तो ये हमारे पास लिखा आ जाता है कि हमने एड लेयर मास्क, ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है। तो हमने एड लेयर मास्क पे क्लिक करना है। मैं एड लेयर मास्क पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो आप इस पैनल को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं पैनल ऑप्शंस में जाके, या आपकी चॉइस है कि आपने पैनल ऑप्शन कैसा रखना है। ये देखें, मैंने पैनल ऑप्शन बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको समझ आए कि लेयर मास्क किस तरह आ रहा है। ये हमारे पास लेयर मास्क आ रहा है और ये हमारे पास एज ए लेयर आ रही है। लेयर मास्क यूज़ करने का टेक्निक क्या है कि आपने ब्रश टूल के थ्रू करना है। ब्रश टूल आप जाएंगे, आपके पास जैसे कि ऑप्शन आ रही होती है, ये ब्रश टूल की ऑप्शन आ रही होती है। तो जो अगर आपने इसको अरेज करना है तो आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, हमेशा ब्लैक कलर यूज़ करेंगे जब भी आपने इसको रिमूव करना होगा। जैसा कि मैं ये इस पर मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा ब्लैक कलर के थ्रू ये रिमूव हो रहा है। कंट्रोल ऑल्ट जी मैं करूँगा और इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं इस तरह मूवमेंट करके अरेज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अरेजर ये होता जा रहा है, लेकिन जो है ना अगर आप इसको लेयर मास्क को हाइड करेंगे तो आपके पास दो आपकी लेयर एक बिल्कुल सही मौजूद है। जैसा कि मैं इसको हाइड करता हूं लेयर को, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास इमेज आपकी मौजूद है। आपको कोई भी टेंशन लेने की, किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इमेज मौजूद नहीं है। तो फिर दोबारा मैं इसको अनहाइड करता हूं तो ये आप देख सकते हैं लेयर मास्क के थ्रू कि आपने कैसे काम करना है। तो यही चीज़ अगर आप जो है, मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगी और हाइड हो जाएगी। तो इसमें दो कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो वो उसका ये मतलब है कि आपने रिमूव करना है, लेकिन जब आप इसमें वाइट कलर यूज़ करेंगे, इस चीज़ को मैं वाइट कर लेता हूँ, ब्लैक को ही वाइट कर लेता हूँ और ये वाइट आ गया। फिर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा लेयर मास्क पे, तो आप देख सकते हैं वो दोबारा चीज़ें जो हमारा बैकग्राउंड था वो वापस आ रहा है। ब्लैक यूज़ होगा एक चीज़ के, ब्लैक यूज़ होगा वो ख़त्म करने के लिए यूज़ होगा, मीन्स के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और जो वाइट कलर होगा वो आपका यूज़ होगा कि आप जो है ना दोबारा से वो बैकग्राउंड वापस ला सके। ये आप देख सकते हैं मैं वाइट इस पर किया हुआ है, और राइट क्लिक करके आप इसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है कि आप किसी भी चीज़ को आराम से इजीली लेयर मास्किंग के थ्रू इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम एज ए प्रोफेशनल्स जो हम लोग जो है जितनी भी एडिटिंग करते हैं मोस्टली हम लोग लेयर मास्क यूज़ करते हैं। जब भी आपने काम करना है आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने लेयर पे काम करना है। जब आप इस पे काम करेंगे अपनी इमेज पे तो फिर आप उसको रीबैक नहीं कर सकेंगे। तो
कोशिश करें कि आप लेयर मास्किंग पे लेयर पे ही काम करें। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि साइड पे हमारे पास वाइट बॉक्स आ रहा होता है, जिसका मतलब कि आपकी मास्किंग सिलेक्टेड है। फिर जब आप इस क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना वाइट वाइट साइड पे इसके साइड पे आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी इमेज सिलेक्ट है। आप लोग दूसरे सिलेक्शन टूल के थ्रू भी इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि आपने जो है ना ये इमेज, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया है इमेज और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी मैं सिलेक्शन कर लूँ, तो मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल ये हमारे सामने आ रहा है, जल्दी जल्दी में मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और ये हमारे पास सिलेक्शन इसकी आ रही है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट जो है अपनी मास्क पे क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप एक न्यू लेयर आप ले लें, तो कोई भी बैकग्राउंड आप एडिशन करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। ये मैंने इस पर रेड कर लिया इस कलर को, फोरग्राउंड कलर को, तो ऑल डिलीट मैं दबाऊंगा तो ये बैकग्राउंड इसका रेड कलर का आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आपने जो है ना कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है और लेयर मास्किंग को कैसे यूटिलाइज़ करना है। हम लोग खुद एज ए प्रोफेशनल हम लोग जब भी एडिटिंग करते हैं हम लेयर मास्किंग यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा ड्रॉप शेडो इसमें किस ऐड करना है और भी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं लेयर मास्किंग में, तो साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। तो मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल पर आता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक जो है ना फ्लावर की फ़ोटो है, तो मैं इसको सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ और जो है ना एज ए लेयर मास्क मैं करना चाह रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेयर मास्क मैं एडिशन कर लेता हूँ। लेयर मास्क जब मैं इस पर ऐड कर लेता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि हम शिफ्ट, जब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो इसको मैं लेयर को हाइड भी कर सकता हूँ, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस किए ही एक क्लिक करूँगा तो ये हमारा लेयर सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पे काम करता हूँ और आल्ट प्रेस करूँगा, जब भी मैं आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो मेन है लेयर वाली लेयर तो वो हमारे सामने आ जाएगी। तो हम इसको जो है ना ब्रश टूल के मैं जाता हूँ, ब्लैक कलर मैंने किया हुआ है, ब्लैक कलर किया हुआ है और इस पे इसका मूवमेंट कर देता हूँ। इस तरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि यार क्या सिलेक्शन हो रही है, क्या सब कुछ हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़र आए तो आल्ट प्रेस करके फिर दोबारा से मैं इस पे एक लेफ्ट क्लिक कर लूँगा तो ये आपको समझ आ जाएगी कि कितना एरिया इसने सिलेक्शन किया है और कितना सब कुछ किया है। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी लेयर मास्किंग की, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट हैं जिसपे हमारे सामने आ रहा होता है कि हम लोग जो है फोटोशॉप की मैंने 24 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, उसके बाद मैंने इलस्ट्रेटर की ये फुल क्लास ट्रेनिंग अपलोड किया है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिटेल्स वाइज सीख सकते हैं। तो इसमें मैंने 24 क्लासेस अपलोड कर दी हैं फोटोशॉप की, तो ये जो मेरी है ये 25th क्लास थी। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।